आज हर दिन ज्यादा से ज्यादा महिलाएं नौकरियों और व्यवसायों में शामिल हो रही हैं। तो यहां सद्गुरु एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या महिलाओं को रोजगार व्यवस्थाओं में लगना चाहिए या फिर घर पर ही रहना चाहिए। प्रश्न, आजकल उन महिलाओं को कई बार तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है जो घर संभालती हैं और बाहर के किसी रोजगार व्यवसाय में नहीं है। जब उनके बच्चे छोटे हैं तब भी लोगों का ऐसा रवैया रहता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सद्गुरु कहते हैं, सामान्य रूप से लोग आर्थिक जरूरतों के लिए काम करते हैं। अगर आप अपने काम को, चाहे वो जो भी हो, पूरे जुनून के साथ करते हैं तो अलग बात है, मगर अधिकतर लोग आर्थिक लाभ के लिए ही काम करते हैं। तो अगर किसी परिवार में आर्थिक कारणों से महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं या घर से ही आर्थिक गतिविधि में लगी है तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न ये नहीं है कि आपको काम करना चाहिए या नहीं, प्रश्न ये है कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। अगर आवश्यकता आर्थिक के बजाय सामाजिक हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि हर एक स्त्री को बाहर जाकर काम करना जरूरी है। दुनिया में इतनी अधिक तकनीकें विकसित करने के पीछे का विचार यही है कि हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां न पुरुषों को और न ही महिलाओं को काम करना पड़े। हम सब आराम से छुट्टियों पर रह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके लिए काम करना मजबूरी है। वे काम किए बिना नहीं रह सकते। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे अपने साथ और क्या करें। यह होने का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। महिलाओं की बात करें तो पिछले 40 से 50 वर्षों से ये बात जोर पकड़ती जा रही है कि हर स्त्री को काम करना चाहिए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता के कारण कुछ हद तक पुरुषों ने उनका शोषण किया है। इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर महिलाओं को लगा कि काम पर जाना और पैसे कमाना ही उसका रास्ता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही परिवारों में इस तरह का शोषण होता है। बहुत सारे परिवारों के लिए यह सच नहीं है। ये विचार कि आप एक सच्ची स्त्री तभी है जब आप पैसा कमाती हो, पुरुषों के दिमाग से उधार लिया गया है। स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं ने पुरुषों के मूल्यों को अपना लिया है और यह वास्तव में गुलामी है। अगर वह स्वतंत्र होना चाहती है तो उसे पुरुषों के मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि वह स्त्रीत्व को कैसे एक फूल की तरह खिलाए, इस धरती पर उसके अस्तित्व से कैसे खुशबू फैले। ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्त्री ही कर सकती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मेरी मां कभी काम करने बाहर नहीं गई और मेरे पिता ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो काम करेगी। लेकिन क्या वो कोई बेकार व्यक्ति थी? बिल्कुल नहीं। उनके बिना हम लोग क्या होते? उनका समर्पण, जिस ढंग से उन्होंने अपने बच्चों और पति के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उसके कारण ही हम वो हो सके जो हम आज हैं। दूसरों के लिए चिंता परवाह की एक गहरी भावना और अपने व्यक्तिगत खुशहाली से परे जाकर जीवन को देखना, ये सब हमारे अंदर उन्हें देखकर ही आया। हम किसी भी तरह से इसे अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि उनका जीवन कभी भी खुद के बारे में नहीं था। दिन हो या रात, पूरी खुशी के साथ, प्रेम के साथ वो परिवार की सेवा करती थी। ये गुलामी नहीं थी, ये पूर्ण प्रेम के कारण होता था। अगर आप उनसे कहते कि उनका शोषण हो रहा है तो उन्हें इससे बहुत बुरा लगता।
क्योंकि उनके लिए खुद को काम में लगाना प्रेम का एक अनूठा अनुभव था। ये दुनिया इसलिए सुंदर नहीं बनती क्योंकि आप पैसे कमाते हैं। ये चाहे किसी व्यक्ति का जीवन हो या परिवार, समाज या दुनिया, ये सब तब सुंदर होते हैं जब कुछ लोग अपने प्रेम के कारण जीते हैं, जो सच में अपने खुशहाली को परे रखकर दूसरों तक पहुंचना चाहते हैं। यही दुनिया को सुंदर बनाता है। विश्व में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, और अगर यह परिवार में नहीं होता तो यह दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। किसी बच्चे को अगर उसके बचपन से ही प्रेम और समर्पण करने की भावना अनुभव करने का अवसर न मिले तो यह नहीं हो सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक महिला काम पर जाती है तो फिर वो ये नहीं कर सकती। अगर काम करने की जरूरत है तो उसे इसके बारे में कुछ करना होगा। एक बार फिर से मेरी मां का उदाहरण ले तो वे काम करने नहीं जाती थी, पर वो ये भी सुनिश्चित करती थी कि घर पर जो भी किया जा सके वो कर लिया जाए, जिसे वो चीज बाजार से खरीदनी ना पड़े। अपने बचपन से ही जब तक मैं परिवार के साथ रहा, बाहर नहीं आया, तब तक मैं एक भी दिन ऐसे तकिए पर नहीं सोया जिस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम न किया हुआ हो। वे हमेशा यह सुनिश्चित करती थी कि कुछ एम्ब्रॉयडरी हो, भले ही एक छोटा सा तोता या एक छोटा फूल ही क्यों ना हो। बिना इसके मेरा जीवन वैसा नहीं होता जैसा वो था। वो ये चीज बाजार से भी ला सकती थी। मेरे पिताजी के लिए ये मुश्किल न होता, पर मां ये सुनिश्चित करती थी कि वह खुद ये काम करे। परिवार के लिए कुछ करने का ये उनका तरीका था। अब चाहे पैसा कमाए या उसे बचाए, ये परिवार के प्रति आपका योगदान ही है। तो एक स्त्री को क्या करना चाहिए, ये एक व्यक्तिगत पहलू है। लेकिन किसी को भी ऐसी कोई फिलॉसफी बनाने की जरूरत नहीं है कि सभी महिलाओं को काम पर जाना ही चाहिए या सभी महिलाओं को काम पर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।